हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से आपका द माइनस प्लस पे। आज इस सीरीज का जो ये है पहला वीडियो है जिसमें परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन हम लोग कवर करेंगे। सभी 2D और 3D शेप्स का जो भी आकृति है सभी को हम लोग जानेंगे पहले, और उसका परिमाप जिस और क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में। तो जो अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में, वर्ग क्या है, उसका परिमाप निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना, ये सारी चीजें अभी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे सीधे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर के का जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है इसका, वो हम जानेंगे। तो वर्ग किसे कहते हैं ये देखिए, ये जो आप शेप देख रहे हैं ए ए बी सी डी जो है यहाँ पे, ये वर्ग है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है वो ये है, चार भुजा भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिनकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये है कि चार भुजा हो, बंद आकृति हो, जैसे ये देखिए चार भुजा इसमें भी है, तीन चार, लेकिन ये बंद नहीं है, ये यहाँ पर खुला हुआ है, तो इसको ऐसा नहीं। और ये जो आप ए बी सी डी यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर, ये बंद है। बंद होने का मतलब ये इसे बंद, मतलब बंद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो, मतलब ए बी जितना है उतना ही बी सी हो, उतना ही डी सी हो, उतना ही ए डी हो, ये चारों भुजा बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए, बी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए, डी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए, AD का लेंथ ए, मतलब सभी की जो लंबाई है सभी भुजा की वो बराबर है, पहली बात। दूसरा कंडीशन हम लोगों को देखना है, दूसरा कंडीशन ये है यहाँ पे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री होगा, इस तरह के कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी कोण 90 डिग्री का हो और सभी भुजा बराबर हो और बंद आकृति हो तो वो स्क्वायर होगा। ठीक है, यही इसका डिफिनेशन है। तो इसको बोलते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। अब चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में परिमाप। परिमाप, परिमिति, परिधि, पैरामीटर, सभी एक ही चीज है। आप देखिए अभी वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, परिमाप के बारे में हम आपको पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद वर्ग के परिमाप को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले परिमाप समझ लीजिए, परिमिति समझ लीजिए, परिधि समझ लीजिए, जो किसको कहा जाता है। कोई भी आकृति हो, देखिए जैसे यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, ये कौन सा आकृति है, इलिप्स इसको बोल सकते हैं, या जो भी हो, कोई भी आकृति हो, मान लीजिए ये आकृति देख लीजिए, इस तरह का कोई आकृति हो। ठीक है, ये देखिए वर्ग है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, कोई भी आकृति हो, अगर उसका परिमाप बोल दे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को गोली मारिए, सीधे समझिए कि जो भी आकृति है उसका कोई ना कोई बाउंड्री होगा। जैसे देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त की बाउंड्री है जो ब्लैक कलर में, ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है इसकी लंबाई जो है उसी को बोला जाता है परिमाप। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। जैसे ये वृत्त है तो ये बाउंड्री की लंबाई आप निकाल लोगे तो वो परिमाप हो जाएगा। ये जो है इस ये लेंथ निकाल लीजिए जो ब्लू कलर का है, ये हो गया इसका परिमाप। ये जो वृत्त है, ये वृत्त नहीं, ये जो स्क्वायर वर्ग है, वर्ग है ये। ठीक है, तो ये भुजा निकाल लीजिए, इसकी लंबाई, ये जो रेड कलर का है इसकी लंबाई आप किसी तरह पता कर लीजिए, वही परिमाप हो जाएगा। ये आयत है, इसके चारों भुजा का योग निकाल लीजिए, मतलब वही लंबाई हो जाएगा, चारों भुजा जितना जितना होगा सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज में तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। इस सर्किल में निकालने का दूसरा तरीका है, आप किसी तरह से निकाल सकते हैं। तो बाउंड्री, जो भी आकृति है उसके बाउंड्री की लंबाई, जैसे ये देख लीजिए ये एक आकृति है, ठीक है, ए बी सी डी ई नाम रख दिए। अब इसका परिमाप पूछ दे, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, इस सभी भुजा को जोड़ देंगे, मान लीजिए ये 6 है, ये 5 है सेंटीमीटर, और ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका अगर परिमाप पूछेगा तो सबको जोड़ देंगे, 6 5 11 4 15 3 18 2 20, तो 20 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये हो गया इसका परिमाप। तो इसको बोलते हैं परिमाप, जो भी आकृति दिया गया है उसके बाउंड्री, वो जो किनारा होता है उसकी लंबाई को
उसकी कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, तो इस तरह से कहा जाता है। अब चलिए हम लोग वर्ग के परिमाप पे बात करते हैं। स्क्वायर वर्ग का परिमाप क्या होता है ये आप जानिए। ए बी सी डी, ए बी यहाँ पे ए बी डी सी है, ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो इसकी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, ए। ए मतलब कुछ भी, मतलब ये एक मतलब जनरल है, एक की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, आपके पास कोई भी वर्ग हो सकता है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाला हो, या 10 मीटर वाला, या 15 सेंटीमीटर, 5 फीट, 6 फीट, कुछ भी हो। तो भुजा की लंबाई यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ग है। कैसे पता चला वर्ग है, सभी भुजा की लंबाई ए है, ठीक है, सभी भुजा की लंबाई ए है, तो ये एक वर्ग है, क्योंकि इसका ये जो कोण है ये भी आपको देखने में लग रहा है कि 90 डिग्री का ही है, तो ये एक वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, किस वर्ग का परिमाप बराबर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, चार भुजा हो वर्ग में, चारों भुजा बराबर है, इसलिए भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, चारों भुजा बराबर है, इसलिए 4 गुना भुजा, ठीक है, 4 गुना भुजा। भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए। भुजा की जो लंबाई है वो है ए दिया हुआ है। आपके प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पे 5, 10, 15, 20, 25 सेंटीमीटर, मीटर, फीट, कुछ भी हो सकता है ए की जगह पे। तो जब भी वर्ग का परिमाप बोलेगा तो हो जाएगा 4a, ठीक है। ये देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो कैसे बना, देखिए ये हो गया प्रोसेस फॉर्मूला निकालने का। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो 4 भुजा है, तो 4 गुना भुजा, तो 4a हो गया। तो ये हो गया फॉर्मूला, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर 4a या 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप जब भी बोलेगा तो भुजा की लंबाई जो दिया रहेगा उसमें 4 से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक है अपना वर्ग पी क्यू आर एस जो है, इसका परिमाप पता करें, ठीक है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए परिमाप जब भी निकालना होता है, परिमाप बराबर होता क्या है, परिमाप इज इक्वल टू 4a, a यहाँ पे क्या है, भुजा की लंबाई, तो 4 गुना भुजा की लंबाई 7 मीटर, 7 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 7 = 28 मीटर। तो परिमाप क्या हो गया, परिमाप हो गया 28 मीटर, परिमाप क्या हो गया, 28 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल का बात, क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये देखिए क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये पी क्यू आर एस एक वर्ग है, भुजा की लंबाई दिया हुआ है ए। ए जो है ये वेरिएबल है, एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रश्न अलग अलग प्रश्न में ए की वैल्यू अलग अलग होगी, यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा की जो लंबाई रहेगी उसमें उसी से गुना कर देंगे, यानी भुजा की लंबाई में का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा की लंबाई यहाँ पर ए है, इसलिए ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला है आप ऐसे याद कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। ए क्या है, भुजा की लंबाई, अगर 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर, 10 रहेगा 10 का स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा उसका मात्रक वो हम बाद में देखेंगे, जो भी होगी उसकी लंबाई उसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए और क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल पता करें जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर दिखाई देगा, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है भुजा की लंबाई। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, वर्ग का जो एरिया है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुना भुजा, मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए गुना ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए के जगह पे क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो 8, तो देख लीजिए 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। तो अब 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर करेंगे तो 64,
अब देखिए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हम लोग कितना निकाल लिए हैं, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2 था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, आप कुछ भी बोल सकते हो और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, अच्छा एग्जाम्पल है। वर्ग ABCD, ABCD एक वर्ग है, भुजा की लंबाई नहीं दिया गया है इसमें, देख लीजिए प्रश्न क्या है। वर्ग ABCD का परिमाप 35 मीटर है, परिमाप हम लोगों को दिया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए भुजा की लंबाई हम लोगों को पता करना है, भुजा बराबर वाट दे देते हैं, भुजा की लंबाई हम लोगों को पता करना है। दिया क्या गया है, वर्ग ABCD का परिमाप दिया गया है। तो देखिए देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a, ठीक है 4a होता है। तो परिमाप बराबर दिया कितना गया है, 36 मीटर, यहाँ पर लिख दीजिए परिमाप बराबर 36 मीटर। और परिमाप के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो क्या है, 4 गुना भुजा, ठीक है 4 गुना भुजा जो है वो फॉर्मूला है परिमाप के लिए, बराबर कितना है 36 मीटर। अब ये एक इक्वेशन बन गया है, समीकरण बन गया है, इसमें इसको सॉल्व करिए तो भुजा की लंबाई आपको पता चल जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 36 और ये 4 जो गुना में है ये भागा हो जाएगा, 36/4 बराबर कितना 9, तो भुजा की लंबाई हो जाएगी 9 मीटर, भुजा बराबर कितना हो गया 9 मीटर। हम लोगों को पता क्या करना था, भुजा की लंबाई जो कि निकल के आया है 9 मीटर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसको। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो सके, ठीक है। देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे बताया भी था कि वर्ग के परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल बताएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है, ये चौथा एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, वर्ग PQRS, देखिए यहाँ पर फिगर देख लीजिए PQRS, ठीक है, का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है 49 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर भी भुजा ही निकालना है और दिया क्या गया है यहाँ पर, क्षेत्रफल, पिछले प्रश्न में परिमाप दिया गया था, इस प्रश्न में क्षेत्रफल दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, दिया जो गया रहेगा वही पहले लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो बाद में लिखेंगे, कितना दिया गया है 49 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 49। ये भी एक समीकरण बन गया है, समीकरण के तरह ही इसको सॉल्व करिए, तो भुजा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा, ये इक्वेशन में मैंने बताया है √49, √49, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल निकाल दीजिए वही आंसर हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और यहाँ पर जो मात्रक है वो मीटर था तो 7 मीटर, ठीक है। तो भुजा की लंबाई 7 मीटर, हम लोगों को भुजा ही पता करना था, देखिए भुजा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिखा है भुजा ज्ञात करिए, तो भुजा बराबर 7 मीटर, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मैंने जो एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल मैंने बताया जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। और एक बात हम आपको बता दें कि आज की वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है, वर्ग के बारे में जितना भी जो कुछ है मैंने बता दिया है। अब देखिए आप लोगों को जो ये सीरीज में हम बताएंगे अभी तो इजी इजी है, वर्ग आयत ये इजी है, इससे आगे जो जाएंगे फिर 3D शेप में जाएंगे तो वो सब थोड़ा मुश्किल वहां पे होता है, इससे ज्यादा थोड़ा कठिन होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स नहीं, जो अभी मैंने बताया ये आपको लिखना नहीं है कॉपी पे, तो फिर कहाँ से मिलेगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आप वहां से डाउनलोड कर लेना, जो भी मैंने बताया वहां से डाउनलोड हो जाएगा PDF, ठीक है, और वो आप अपने फोन में रख लेना, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में, ठीक है। तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए कि कोई टॉपिक या ये वो जो कुछ भी है मन में कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए कीजिए ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।